कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अब हम लोग यहाँ पर जो भी प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है उसके बीच में कंपैरिजन करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक टेबल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड पहले हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन में आप देख रहे हैं कि प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के पास भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो चलिए इस चीज को यहां पर देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो देखिए ये वाला जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इस फिगर ये जो है ये एनिमल सेल को इंडिकेट कर रहा है और ये वाला जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये प्लांट सेल को इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात किस में करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बातचीत करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन ये देखिए प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल का ये वाला अंदर वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसी को मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसी को क्या किया गया है मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया गया। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है नीचे जो इस तरह का बाउंड्री जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इसको हम क्या बोला करते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोला करते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल में हम लोग देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है और अब आते हैं एनिमल सेल के पास। तो यहां पे देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, तो ये आपका यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो हमने देखा कि जो प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है उन दोनों में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हुआ करता है। तो दोनों में ये चीजें कॉमन आपको यहाँ पे देखने को मिला कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल के बारे में देखिए जो प्लांट सेल है उसके पास ही सिर्फ सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में आपका नहीं होता है, अब्सेंट होता है। अब चलिए इस बात को भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ये आपका प्लांट सेल हो गया, तो प्लांट सेल में आप देखिए कि यहाँ पर सेल वॉल है, ये जो बाहर वाला हिस्सा देख रहे हैं ना ये वाला, यानी कौन वाला, ये मैग्नीफाई करके अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये बाहर वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोला करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं किसमें, एनिमल सेल्स के बारे में, तो एनिमल सेल्स में आपको यहां पर कहीं पर भी आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा। सो फाइनली इस पॉइंट को भी आप लोग यहां पर समझ चुके होंगे। अब चलिए देखते हैं न्यूक्लियस के विषय में। तो देखिए न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में भी प्रेजेंट हुआ करता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट हुआ करता है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, ईकैरियोटिक सेल है। तो डेफिनेटली ईकैरियोटिक सेल है, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो दोनों में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो चलिए यहां पर आते हैं वापस और अब देखते हैं। तो यहां पर देखिए ये वाला आपका क्या है, प्लांट सेल है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं ये पूरा ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आपका क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक उसी प्रकार से ये एनिमल सेल है और एनिमल सेल के अंदर यहां पे देखिए आप ये वाला पोर्शन को, तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि चाहे एनिमल सेल हो या फिर आपका प्लांट सेल हो, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट हुआ करता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के विषय में, तो देखिए ये वाला जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रहा है ये वाला ब्लैक कलर का न्यूक्लियस से बाहर का ये वाला, और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है बाउंड्री ब्लैक कलर का यहाँ वाला, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। और क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, आपके ईकैरियोटिक सेल्स हैं, इसलिए दोनों के पास क्या है, आपका यहां पर प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एनिमल सेल के पास भी आपका क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो आपका प्लांट सेल है उसमें भी आपका क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हुआ करेगा। तो चलिए इस पॉइंट को भी आप लोग यहां पर समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म देखिए, साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी प्रेजेंट हुआ करता है, साथ ही साथ
एनिमल सेल में भी प्रेजेंट हुआ करता है। अब इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये वाला जो आपको पूरा पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा खाली ये गैपिंग वाला, दैट इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। और यही देखिए एनिमल में भी क्या है, जो पूरा पिल्ला पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। तो एनिमल सेल में भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है और प्लांट सेल में भी साइटोप्लाज्म जो है वो पाया जाता है। नाउ अब हम लोग देखते हैं दैट इज प्लास्टाइट्स। प्लास्टाइट्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट हुआ करता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि देखिए प्लास्टाइट्स कहने का मतलब कि जैसे कि जो प्लांट होता है तो प्लांट के अंदर आप देखते हैं ना कि जो पत्ते होते हैं वो हरे कलर के होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहा करते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, प्लासाइट्स होता है, यानी कि इन्हीं के कारण, ये ऑर्गेनिल्स के कारण ही हरा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हरा हरा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ आपका कहाँ पर है, प्लांट सेल में पाया जाता है, आपका एनिमल सेल में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर वैक्यूऑल को देखते हैं, वैक्यूऑल जो होता है प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है और जो एनिमल सेल में होता है वो बहुत ही छोटा हुआ करता है। अब इसको भी हम लोग समझते हैं ये क्या होता है, एक तरह का गैपिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो आपका प्लांट सेल है, यहाँ पे देख रहे हो व्हाइट कलर का ये बहुत बड़ा सा जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पूरा वाला, ठीक है, ये व्हाइट वाला पूरा, तो ये क्या हो गया, वैक्यूऑल यानी गैपिंग हो गया एक तरह का। और एनिमल सेल में देखिए वैक्यूऑल है ये वाला व्हाइट, लेकिन बहुत ही छोटा छोटा यहाँ पे आपको वैक्यूऑल दिखाई देगा ये सब, ठीक है। तो वैक्यूऑल जो होता है प्लांट सेल में कैसा होता है, लार्ज होता है, और एनिमल सेल में क्या होता है, मच स्मॉलर हुआ करता है। सो बहरहाल अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं कि आखिरकार प्लास्टाइट्स क्या होता है, ठीक है। तो कलर्ड बॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टाइट्स कहते हैं, और ये जनरली किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट हुआ करता है। तो इसको चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, ये हो गया आपका, जैसे कि मान लीजिए प्लांट का एक सेल है, तो यहां पे देखिए ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ये किसके कारण से दिखाई दे रहा है, तो ये आपका ग्रीन दिखाई दे रहा है किनके कारण से, प्लास्टाइट्स के माध्यम से दिखाई दे रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट हुआ करता है, और इसमें जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट हुआ करता है जिसको हम क्लोरोफिल कहा करते हैं, यानी कि जिसको हम क्लोरोप्लास्ट भी कहा करते हैं, इसी के कारण से ये क्या है आपका ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा माइक्रोस्कोपिक तरीके से हम देखते हैं, इसके अगर पत्ते में जाके देखेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसी में क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट हुआ करता है। तो यहां तक आपको ये बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी कि आखिरकार प्लासाइट्स क्या होता है, और क्लोरोफिल मतलब कि कोई भी जो प्लांट्स के पत्ते होते हैं वो हरा क्यों दिखाई देते हैं, क्या इसके पीछे का कारण है, वो चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। एक बार हम लोग फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, साइज एंड शेप को लेकर, प्लांट सेल का जो साइज है या शेप है वो कैसा होगा, एनिमल को लेकर एनिमल सेल में कैसा होगा। तो लार्जर इन साइज एंड रेक्टेंगुलर इन शेप, यानी कि जो भी प्लांट सेल होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और इसका जो साइज, इसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर हुआ करता है, ठीक है। जबकि एनिमल सेल में अगर हम बात करें तो इसका जो एनिमल सेल का जो सेल का साइज होता है वो छोटा होता है और ये ओवल शेप का होता है। ओवल शेप जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये वाला जो आप देख रही है एनिमल सेल है तो ये ओवल शेप का है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये रिक्टेंगल टाइप का इस टाइप से बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है प्लांट सेल होगा वो रिक्टेंगुलर शेप का होगा, और जबकि जो एनिमल सेल होगा वो क्या होगा, ओवल शेप का होगा, अंडे का आकार का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट था, सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल क्या है, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट हुआ करता है, ठीक है। और ये बना किससे होता है, सेलुलोज से, यानी जो लकड़ी के हिस्से से बना होता है ना, जैसे लकड़ी का तना होता है तो लकड़ी का ही बना होता है, तो वो सेलुलोज कहलाता है। एनिमल सेल में अगर हम लोग बात करते हैं तो एनिमल सेल में जो सेल वॉल होता है वो तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अब चलिए हम लोग देखते हैं वैक्यूऑल्स को देखते हैं। तो वैक्यूऑल्स जो होते हैं प्लांट सेल्स में कैसा होते हैं, लार्ज हुआ करते हैं, ठीक है। और
जनरली जो मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल वहां पे प्रेजेंट हुआ करता है, जबकि एनिमल सेल में हम लोगों ने देखा है कि मोस्टली या तो नहीं होते हैं या होते भी हैं तो बहुत ही स्मॉल साइज के हुआ करते हैं। सो इस पॉइंट को नोट रखिएगा, ठीक है। जो वैक्यूल्स होते हैं एनिमल्स में या तो नहीं होते हैं या तो बहुत ही स्मॉल हुआ करते हैं, जबकि प्लांट सेल में अगर हम लोग देखें तो इसमें बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहां पर फिगर के माध्यम से अगर हम लोग देखें तो यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, प्लांट सेल हुआ। तो यहां पे देख रहे हैं जो व्हाइट वाला परत है इसमें बहुत बड़ा सा आपको वैक्यूल दिखाई देगा, और एनिमल सेल में देखिए यहां पर जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये सब चीजें, ठीक है। तो यहां पर वैक्यूल बहुत ही छोटा होता है या ना के बराबर हुआ करता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, दैट इज अब हम लोग देखेंगे गॉल्गी बॉडीज के बारे में। तो गॉल्गी बॉडीज जो होता है वो प्लांट सेल में डिफ्यूज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेक्टोसम्स बोला करते हैं। और गॉल्गी बॉडीज जो होते हैं ये एनिमल सेल्स में अच्छे ढंग से डेवलप्ड होते हैं और ये न्यूक्लियस के आसपास जो होते हैं वो प्रेजेंट हुआ करते हैं। सेंट्रोसम्स जो होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं प्लांट सेल में, और जबकि एनिमल सेल में ये पाया जाता है, ये आगे भी जाके मैं आपको बताऊंगा, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। प्लास्टाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो ये है ये सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट हुआ करता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये जैसे होता है ना कि प्लांट हरा क्यों दिखाई देता है, क्लोरोफिल वगैरह का, उसको लेकर यहाँ पे किया जाता है। साथ ही साथ स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, तो फूड को रिजर्व कौन कौन कर सकता है, तो जो आपका प्लांट सेल रिजर्व फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और ऑयल के फॉर्म में जो है पेड़ पौधे अपने खाने को स्टोर करके रख लेता है। ये खाना जो भी है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाता है, और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जब ये खाना पकाता है तो जब बच जाता है तो उसको स्टार्च के रूप में अपने पास जमा कर लेता है, या तो फिर ऑयल के रूप में उसको क्या कर लेता है, अपने पास रख लिया करता है। एनिमल सेल अगर हम बात करते हैं तो एनिमल सेल जो है ये भी फूड को रिजर्व करता है, लेकिन ये ग्लाइकोजेन के फॉर्म में अपने पास स्टोर करता है फूड को। फूड को जो जमा करेगा वो किसके फॉर्म में करेगा, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में करेगा। और जो प्लांट सेल है वो भी फूड को जमा करता है, स्टोर करता है, लेकिन स्टार्च के रूप में या तो ऑयल के रूप में, ठीक है। तो इसे हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप घर में अगर अपने फूड को कहीं सेव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी तरह से प्लांट भी अगर अपने फूड को सेव करता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, स्टार्च या ऑयल के रूप में सेव करता है। और अगर जो एनिमल है, एनिमल सेल में जो भी फूड स्टोर होते हैं वो ग्लाइकोजेन के रूप में जो है वो स्टोर दिखाई देते हैं।